हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एनएचटी टेक इन्फो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक की ओर, जो कि पूछा गया था कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। ठीक है, तो वितरकों को सब स्टेशन से कौन जोड़ता है? फीडर जोड़ता है। ठीक है, फीडर जोड़ता है। फीडर के अलावा जो मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जो कि पूछ देता है जी कभी कभी कि वितरक क्या होता है, तो वितरक वह चालक जिसकी सहायता से वैद्युत शक्ति को फीडर से सर्विस मैन चालक तक पहुंचाया जाता है, क्या कहलाता है? वितरक कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत शक्ति को फीडर से सर्विस मैन तक। ठीक है, अब कभी कभी पूछ देता है सर्विस मैन क्या होता है, तो वह चालक जिसकी सहायता से वैद्युत शक्ति को वितरक से उपभोक्ता के मीटर बोर्ड तक पहुंचाया जाता है, सर्विस मैन्स कहलाता है। ठीक है, वितरक के उपभोक्ता मीटर तक जो पहुंचाता है विद्युत शक्ति को, उसे सर्विस मैन्स कहते हैं। ठीक है, चलते हैं फीडर, फीडर के को भी एक बार देख लेते हैं। वह चालक जिसकी सहायता से विद्युत शक्ति को विद्युत जनन केंद्र या उपकेंद्र से वितरक तक पहुँचाया जाता है, उसे फीडर कहते हैं। ठीक है, तो यही तीन चार पॉइंट है जिससे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, जिसमें पूछा गया था कि आईई रूल के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है। तो आईई रूल के अनुसार किन्हीं दो चालकों के बीच जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है वो लगभग 1 मेगा ओम से अधिक होता है। ठीक है, 1 मेगा ओम से अधिक। ठीक है, और आईई रूल की बात करें तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल की स्थापना पूछ देता है 1956 में। ठीक है, और आईई रूल का मेन मतलब ये बनाने का मकसद क्या था कि सुरक्षा सावधानी को देखते हुए विभिन्न नियमों को आपको प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आपको स्विच जो है भूमि से कितने ऊंचाई पर लगाना चाहिए, पोल की साइज क्या होना चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सुरक्षा सावधानी हेतु इस नियम को बनाया गया था, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, स्थापना 1956। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 208 में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी पावर फैक्टर। ठीक है, व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी पावर फैक्टर, विविधता का कारण क्या होगा। तो डाइवर्सिटी पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है आपका, कि मिनिमम एक्चुअल लोड बटे में इंस्टॉलेटेड लोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम एक्चुअल लोडेड बटे में इंस्टॉलेटेड लोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 209 देख लेते हैं। पूछा गया था कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या होता है। तो जो हम लोग को घर में जो यूज होता है एसी, वह 415 वोल्ट से ले कर 240 वोल्ट तक आता है, और हर्ट्ज की बात करें तो 50 हर्ट्ज होती है, जबकि अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मतलब वहाँ पे चलने वाले जितने भी डिवाइस है वो 60 हर्ट्ज पे काम करते हैं, और भारत में 50 हर्ट्ज पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 210 210 में पूछा गया था कि ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। तो ये जो चित्र में प्रदर्शित किया गया है, इस इंसुलेटर का नाम पूछ रहा है। तो यह जो इंसुलेटर है ये सेकल इंसुलेटर और इसका प्रयोग मोड़दार स्थानों पर किया जाता है, और मैक्सिमम यह 650 वोल्ट पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मोड़दार स्थानों पर सेकल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और भी इंसुलेटर देख लेते हैं, 3-4 प्रकार के इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखिए दिया है पिन इंसुलेटर, तो पिन इंसुलेटर जो होता है यह 33 केवी से लेके 66 केवी तक इसका प्रयोग किया जाता है, पिन इंसुलेटर का प्रयोग।
और सेकेंड इंसुलेटर होता है जो वो छैतीस होता है, छैतीस का यूज़ किया जाता है इस प्रकार से। और प्रत्येक डिस्क जो होता है 11 KV का होता है। इसी प्रकार स्टेन इंसुलेटर के बाद एक आता है जिसे हम लोग कहते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर, जो कि ऊर्ध्वाधर यूज़ किया जाता है, ऐसे लटका हुआ होता है, आप देखे होंगे। और इसमें भी प्रत्येक डिस्क का जो वोल्टेज है 11 KV तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 211 पूछा गया था कि लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है, मतलब ये जो दिखाया गया है इस इंसुलेटर का नाम क्या है ये बताना था। तो भाई इस इंसुलेटर को हम लोग सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। कौन सा इंसुलेटर? क्योंकि लटका हुआ है तो क्या कहेंगे, सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक है, अगर यही इंसुलेटर अगर क्षैतिज में रहता ऐसे इस प्रकार से, तो कमेंट करके बताइए इस इंसुलेटर को आप लोग क्या कहेंगे, अभी बताए हैं थे हम। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 212, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो कि 3000 वोल्ट। आई नियम के अनुसार घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार 3000 वाट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी आर्मिनल में इलेक्ट्रिसिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद नंबर 214 दिखेंगे फ्रेंड। 214 में क्या पूछा था कि क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि डीसी में जो धारा का प्रवाह प्रत्येक क्षेत्र से होता है और एक समान होता है। ठीक है, और इसमें धारा का प्रवाह क्या होता है, प्रत्येक क्षेत्र से एक समान होता है। इसमें कोरोना इफेक्ट, स्किन इफेक्ट जो होता है ना मात्र होता है, जबकि एसी कंडक्टर में धारा का प्रवाह उसके सतह से होता है और इसमें कोरोना इफेक्ट, स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखेंगे तो इसमें कोई भी त्वचिक प्रभाव नहीं होता, मतलब कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। जबकि अगर आपका एसी कंडक्टर की बात करता तो इसमें आर का मान बढ़ा हुआ होता है, जिसके कारण इसमें उष्मीय हानि होता है। ठीक है, उसके बाद पावर लॉस होता है, कोरोना होता है, कोरोना इफेक्ट होता है। ठीक है, तो एसी कंडक्टर में क्या होता है, डीसी कंडक्टर में क्या होता है, ये तीन चार पॉइंट है यहाँ से जो भी बताए हैं, यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतहों को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहता है। ठीक है, कारण बताना है। तो इसलिए ऐसा करते हैं, पहले हम आपको इंसुलेटर बना देते हैं। डिस्क टाइप इंसुलेटर आप देखे होंगे, बड़े बड़े इंसुलेटर जो होते हैं पोसिलेन के बने होते हैं। ठीक है, और आजकल शीशा का भी प्रयोग किया जा रहा है इंसुलेटर बनाने में। ठीक है, अब क्योंकि पोर्सिलेन से ज़्यादा क्षमता पर शीशे के इंसुलेटर का प्रयोग कर लिया जाता है इस कारण। ठीक है, और इस जो शीशे का इंसुलेटेड पावर होता है ये पोर्सिलेन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा ये इंसुलेटर बनाते वक्त, ये कर्व टाइप का, इसका बनाने का मेन उद्देश्य यही रहता है कि ये वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय कर देता है। मतलब अगर जल की बूंदें इस पे आती है तो बूंद बन के यह जो है कि नीचे टपक जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी, वर्षा ऋतु में निरंतर जल का प्रवाह निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है, 216। ओवरहेड लाइन संयुक्त प्रकार क्या है, तो भैया यह जो है कंप्रेस्ड जॉइंट फॉर ACSR। ठीक, कंप्रेस्ड जॉइंट फॉर ACSR के लिए ओवरहेड संयुक्त प्रकार का यूज करते हैं। ठीक, ये देख लीजिए ACSR। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 217 में पूछा था कि ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रतिबलित किया जाता है। तो भाई इसमें स्टील को इसलिए प्रतिबलित किया जाता है ताकि तन्यता स्ट्रेंथ को बढ़ा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, तन्यता स्ट्रेंथ को बढ़ा देने के कारण। किसका प्रयोग करते हैं, स्टील का प्रयोग करते हैं, तनन क्षमता में उसकी वृद्धि कर देता है ताकि जो ऊपर उसके ऊपर एल्युमिनियम का तार जो लपेटा होता है वो उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, और बीच में अगर हम लोग जो है कि स्टील का ये डाल दिया जाता है तो इसको सपोर्ट कर देता है एल्युमिनियम के तार को। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 में पूछा गया था कि किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। तो सार्वभौमिक रूप से हम लोग थ्री फेज वायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थ्री फेज, ठीक है, थ्री फेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, 218 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 219 पूछा था कि लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। तो वहाँ पे हम पहले बताए थे कि घुमावदार या मोड़दार स्थानों पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेकल इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या एक को आप एक या दो में शायद था, सेकल इंसुलेटर बना हुआ था। ठीक है, तो उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, घुमावदार स्थानों पर। ठीक है, मैक्सिमम 650 वोल्ट पे ये काम करता है। पिन इंसुलेटर 33 kV से लेकर 66 kV पर काम करता है। स्ट्रेन इंसुलेटर, और स्ट्रेन के बाद सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक है, प्रत्येक डिस्क वोल्टेज 11 kV। ठीक, यही इतने इंसुलेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स कि बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है। तो भाई इसको इसलिए टाइट करके रखा जाता है ताकि स्पार्किंग को कम किया जा सके। ठीक है, स्पार्किंग से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है। तो ओवरहेड लाइन में हम लोग कौन सा कंडक्टर का यूज करते हैं, ए सी एस आर फुल फॉर्म इसका बहुत पूछता है। तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक है, फिर से एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स ओवरहेड में प्रयोग करते हैं। 221 के बाद 222 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। पूछा था कि विद्युत खंभों में प्रयुक्त आकाश क्रॉस और मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो विद्युत खंभों में इस प्रकार का खंभा होता है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है, ये इसी से क्रॉस आर्म में करते हैं, और इसका मेन काम होता है ओवरहेड लाइनों में इंसुलेटर को पकड़ के रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइन के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ओवरहेड लाइनों में अंतिम सिरों पर किस प्रकार का इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो लाइन के अंतिम सिरों पर हमेशा जो है कि डिश टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, डिश टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 223 के बाद 224 की ओर। 224 में आप देख सकते हैं क्या पूछा था कि जो एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है। भाई तो एसी पावर ट्रांसमिशन में फ़ायदा यही होता है कि वोल्टेज को आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन हम लोग ट्रांसफार्मर की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 224 का डी। ठीक है, वोल्टेज को आसानी से स्टेप डाउन और स्टेप अप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। 225, ए सी एस आर का मतलब बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड में इसका प्रयोग करते हैं। 225 के बाद 226 देखते हैं। ओवरहेड लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या होता है। फिर से आ गया ओवरहेड लाइनों में क्रॉस, क्रॉस जो आर्म होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, या इंसुलेटर को पकड़े रखता है, कंडक्टर को काटना और बांधे रखना। ठीक, कंडक्टर को मतलब इंसुलेटर को पकड़े रहना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी।
इंसुलेटर को पकड़े हुए कंडक्टरों को किधर से जकड़े रहता है, मतलब जकड़े रहता है इंसुलेटरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 227 को देख लेते हैं फ्रेंड्स। भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा है? तो भूमिगत की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा है? तो इसमें दोष जो है आसानी से पता लगाया जा सकता है, किस में ओवरहेड लाइनों में आराम से दोष को पता लगा सकते कि फॉल्ट कहाँ हुआ है, ठीक है। और जबकि अंडरग्राउंड वन में जल्दी से पता नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। इसमें 227 का हो जाएगा बी आपका, दोष को आसानी से पता लगाया जा सकता है। 227 के बाद देखते हैं 228। 228 में पूछा था ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जा सकता है। ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जा सकता है? तो वितरण सब स्टेशन के माध्यम से, ठीक है। वितरण सब स्टेशन के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ठीक है। सर्विसमैन, फीडर, ये सब भी देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत पूछता है। 228 के बाद चलते हैं 229 नंबर की ओर। यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाए, टूट फूट जाए, तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा, ठीक है। जब डिस्क इंसुलेटर टूट फूट जाता है तो डिस्क टूटा हुआ जो वह कार्य नहीं करेगा, ठीक है, बाकी करता है। मतलब जो टूटा हुआ भाग है वही कार्य नहीं करता है, बाकी डिस्क इंसुलेटर का भाग कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगा, बाकी करेगा, ऑप्शन नंबर सी। 230 में देखिए, जोड़ों को बांधने वाले एल्युमिनियम क्रोड वाले कंडक्टरों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है? तो भाई इसको रोकने के लिए बांधने वाले घुमाव को कसकर रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बांधने वाले घुमाव को कसकर पकड़े रहते हैं, मतलब रखते हैं कसकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 231 में क्या पूछा था कि ओवरहेड कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर से कम होने पर स्किन इफेक्ट नगण्य माना जाता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से अगर कम होगा तो स्किन इफेक्ट को क्या मानेंगे हम लोग, नगण्य मानेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, नगण मानेंगे। 231 के बाद 232 में क्या पूछा है कि लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? तो वायरिंग सर्किट के साथ हम लोग ELCB सर्किट का प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछता है, इसको फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखता है, ठीक है। तो पावर कट ऑफ के बाद जो रिले अपनी स्थिति को रखता है वो लैग्रांजी रिले कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। 234 को देखते हैं, सर्किट ब्रेकर का नाम बताना है। ये जो चित्र में प्रदर्शित किया गया है, इस सर्किट ब्रेकर का नाम बताना है। तो इस सर्किट ब्रेकर को हम लोग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ठीक है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इसमें सामान्य एयर का प्रयोग होता है और इसमें हवा को कंप्रेस के द्वारा रिजर्वायर में भर दिया जाता है और सर्किट ब्रेकर के ओपन होने के समय हवा छोड़ दिया जाता है दोनों कंटेक्टरों के बीच, ठीक है। दोनों कंटेक्टरों के बीच हवा छोड़ देते हैं, कंप्रेस्ड जो वाटर आप रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 235 की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो सर्किट ब्रेकर टूटने की क्षमता का मूल्यांकन हम लोग मेगा वोल्ट एम्पियर पे करते हैं, मेगा वोल्ट एम्पियर। 235 के बाद 236, संकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिक अप वोल्टेज क्या है, ठीक है।
तो संकेतिक और वोल्टेज में पिकअप वोल्टेज जो होता है वह रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिजली ट्रांसफार्मरों में ग्लूकोज रिले का कार्य क्या है? ग्लूकोज रिले जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स उसका कार्य क्या होता है? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट को सुरक्षित करना। यह जो है फॉल्ट की स्थिति में अलार्म बजकर सूचना देता है और ट्रांसफार्मर के सोर्स को अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन 238 को देखते हैं, किस प्रकार का लोड जो है ग्राउंड श्रेणी MCB मिनिएचर सर्किट बोर्ड द्वारा संरक्षित होता है? तो वह है एयर कंडीशनर। ठीक है, एयर कंडीशनर में MCB द्वारा संरक्षित होता है, सुरक्षित रहता है, इसलिए MCB लगाते हैं। 238 के बाद 239 की ओर। 239 कह रहा है, AC/DC आपूर्ति दोनों में से किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? तो AC/DC आपूर्ति में हम लोग दोनों में से हम लोग इम्पल्स रिले का प्रयोग करते हैं, इम्पल्स रिले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 240 को, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण। तो भैया हम लोग घरेलू में जो घरों में यूज करते हैं MCB यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। ठीक है, मिनिएचर सर्किट बोर्ड याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या होता है रिमोट ऑपरेशन में? ठीक है, ट्रिप कॉइल का उपयोग हम लोग रिमोट ऑपरेशन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 242, नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो इस रिले का कार्य जो होता है नियंत्रण में ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करता है। ठीक है, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। यदि एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है तो ELCB में स्थायी रूप से बंद हो तो क्या प्रभाव होगा? चित्र में देखते हैं चित्र। ठीक है, अगर ये बंद हो जाए ELCB तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये इस एक्स को बंद कर देते हैं तो सर्किट जो है पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। ठीक है, सर्किट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 244, वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है? ठीक है, तो उसमें कौन सा दोष है? रिले की गलत सेटिंग हो गया होगा। ठीक है, रिले की गलत सेटिंग के कारण सर्किट रुक रुक कर ट्रिप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 245, यदि तेल की अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष होगा? ठीक है, तो तेल सर्किट ब्रेकर में यही दोष होता है कि वो जो होता है डिफेक्टिंग ट्रिपल मैकेनिज्म हो जाता है। ठीक है, दोष कम पराविद्युतीय शक्ति, सॉरी सॉरी डिफ ये होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, दोषपूर्ण ट्रिपिंग हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, दोषपूर्ण ट्रिपिंग तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 246 देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा था अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू द ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो इंसुलेशन का विफलता कह सकते हैं, इंसुलेशन का विफल हो जाने पर ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग जो है कि तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं। आप इन 50 क्वेश्चन को आप जो है कि इसी 50 क्वेश्चन से आपका विभिन्न एग्जामों में ITI के एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, आप इसे एक दो बार देख लीजिए ताकि आपका अच्छा से क्वेश्चनों पर पकड़ बन जाए और आप एग्जामों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।